हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। आज मैंने देर से व्लॉग बनाना चालू किया, सारा काम था, सुबह बहुत काम था, इसलिए मैंने अपना काम निपटाया और अब काम निपटा के व्लॉग में बनाने के लिए आई हूँ। तो मैंने सोचा कि आज अपने घर के एक नॉटी से शैतान से बच्चे से मिलवाती हूँ। वो बहुत ही शैतान है। वो अलीगढ़ में रहता है, अलीगढ़ में मेरी बड़ी बेटी का बेटा है, उसकी शादी हुई है बेटी की अलीगढ़ में, तो अभी आए हुए हैं। तो मैंने कहा आपसे भी उससे मिलवाती हूँ। और एक मेरी छोटी बेटी भी है, उसकी अमृतसर में शादी हुई है। और चलिए उससे बातें करते हैं, बेटे से बातें करते हैं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी नानी के चैनल में। सो आज मेरे को नानी ने यहाँ पकड़ के बैठा दिया है कि अपने बारे में बताओ। सो मैं आपको अपने बारे में ये बताता हूँ। मैं सेवन्थ क्लास में पढ़ता हूँ, सेवन्थ स्टैंडर्ड में, एंड मुझे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना बहुत पसंद है। सो मैं आपको एक दो टाइप के रूबिक्स क्यूब सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं बिना देखे रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको ट्रिलियन बताऊँ, ये बिना देखे बना रहा है पीछे हाथ करके, ये देखिए पूरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो चुका है। तो ऐसे करके मुझे काफी रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का शौक है। अब मैं आपको ये वाला रूबिक्स क्यूब सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। सो मेरे को बड़ा मजा आता है। मेरे नानी के घर में मैं आया हूँ, मैं यूपी से हूँ, अलीगढ़ से, बट मेरे को मेरे नानी के साथ बहुत मजा आता है, इसलिए मैं अपने नानी के घर आया हूँ। और मेरे नानी के चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दिखाइए। अब देखिए मैं आपको ये वाला रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये हाफ सॉल्व हो चुका है एंड अब हमको थोड़ी सी मेहनत करनी है एंड ये भी सॉल्व हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व हो चुका है। सो मेरे को इन्हीं सब चीज़ों का शौक है। बाकी आप नानी कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, वो अपना वो दिखाओ, वो जो किनारे में रखे हो, क्या रखे हो? पॉपेट। सो ये पॉपेट है ऐसे टाइम पास के लिए, जब भी मैं बोर होकर रहता हूँ उसे चला लेता हूँ। और खाने पीने का क्या शौक है तुमको? मेरे को पिज्जा बहुत पसंद है। हाँ, मेरे को मोमोज बहुत पसंद है। हाँ जी। और मेरे को चाइनीज फूड बहुत पसंद है। चाइनीज फूड में क्या क्या खाते हो? चाइनीज फूड्स में मेरे को चिली पोटैटो, स्प्रिंग रोल, फ्राइड राइस एंड ये सब पसंद है। और आपकी कोई हॉबी हो तो वो भी बताइए। स्विमिंग वगैरह करते हैं आप? हाँ, मेरे को स्विमिंग करना बहुत पसंद है एंड मैं काफी अच्छा स्विमर भी हूँ। एंड ये है मेरा मोबाइल वीवो X60, जो कि मैं जब बोर होता रहता हूँ तो मोबाइल चला लेता हूँ। कौन कौन से गेम खेलते हो मोबाइल में बेटा? मैं मोबाइल में गेम खेलता हूँ मॉर्टल कॉम्बैट, पबजी एंड फ्री फायर। अच्छा, अरे वाह, पबजी भी खेलते हो? हाँ। अरे वाह, और क्या क्या काहे काहे का शौक है बेटा आपको? मेरे को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है सब्जेक्ट्स के हिसाब से। मेरे को साइंस, जीके और हिस्ट्री भी बहुत पसंद है। और आप मोबाइल में कुछ ज्ञानवर्धक चीजें देखते हो? हाँ, मैं यूट्यूब में फैक्ट्स देखता हूँ और साइंस की वीडियोस देखता हूँ एंड आप भी ये सब यूट्यूब में देख सकते हैं। बट उससे पहले आप मेरे नानी के चैनल को जरूर देखिएगा, उससे भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ओके गाइस, सो आप भी जल्दी मेरे नानी के चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड मेरे नानी के चैनल को लाइक भी कर दीजिए। सो मैं आपको 2 मिनट में आता हूँ। अच्छा बेटा, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं अभी तक सबको। अरे मैं वो भूल गया था, मेरा नाम रुद्रांश शर्मा है एंड घर में मेरे को वंशु वंशु सब बोलते हैं। और मैं उसे प्रिंस भी कहती हूँ कई बार, गुड्डा भी बोलती हूँ, है ना? हाँ। और ये इसको मैगी बनाना आता है, बहुत अच्छा मैगी बनाता है, इसको किचन का काम करने में बहुत इंटरेस्ट है, शौक है इसको बहुत। और ये दाल चावल और आलू की सब्जी खूब अधिक पसंद करता है, इसे बहुत पसंद है खाने में। और मैगी तो खैर ये बनाता ही है। तो बेटा आज क्या बना के दिखा रहे हो?
आज मैंने ब्लू लेबून मोजीतो की रेसिपी आपको बताने वाला हूँ। सो मैं उसके लिए जो जो चीजें आवश्यक है वो लेके आई हूँ। हाँ, अब आप बताइए, ये आप क्या बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं? सो ये मैं बना रहा हूँ नानी ब्लू लेगून का मोजीतो। ये उसका मेन सिरप है। अभी के लिए मैं स्प्राइट यूज कर रहा हूँ एंड ये कुछ पुदीने के पत्ते हैं एंड दिस इज लेमन। ये मैं यूज कर रहा हूँ। आपको मेरे ये सारे औजारों का एक एक काम है वो आपको पता चलेगा। एंड ये सर्विंग ग्लास है, ये वो ग्लासेस मैं बनाऊंगा। स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूंगा ब्लू लेमन सिरप। जी, कितनी मात्रा में लेंगे? एक ग्लास के लिए मैं एक ढक्कन पूरा डाल दूंगा। अच्छा अच्छा, ब्लू लेमन सिरप थोड़ा सा मेरे को ज्यादा, थोड़ा सा मैंने सवा ढक्कन डाल दिया है, मुझे ज्यादा मीठा पसंद है। और ये क्या है? उसके बाद ये स्प्राइट। अच्छा अच्छा, स्प्राइट जी। एंड अभी ओपन कर लूंगा उसको जस्ट। अच्छा, खुला नहीं, सील नहीं टूटी है, सील तोड़ के स्प्राइट यूज होगी। उससे पहले मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते लूंगा एंड इसमें डाल दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या काम था? इसका काम अभी है, इससे मैं इसको मैश करूंगा। अच्छा, ये पुदीने के पत्ते तोड़ के धो के साफ करके यूज कर रहे हैं? आप भी अगर यूज करें तो उसको धो और साफ करके यूज करें। ये हमारे घर में पुदीना उगा हुआ है, ऊपर गमलों में लगा हुआ है, वो तोड़ के लाए हैं हम। इसके बाद इसको मैं अच्छे से मैश कर लूंगा। इसके बाद इसको मैं इसके ऊपर में स्प्रेड। अच्छा, कितना डालेंगे? एक ग्लास। अच्छा, इस ग्लास में पूरा भर लूंगा स्प्राइट से। हाँ जी, एक ग्लास ऑलमोस्ट भर चुका है स्प्राइट से। इसके बाद मैं हाफ ऑफ लेमन निचोड़ लूंगा। अगर ज्यादा की जरूरत होगी मैं ज्यादा निचोड़ूंगा। अच्छा अच्छा, एक प्रॉपर मेरे को क्वांटिटी देखनी है, इस वजह से मैं इसको इसमें निचोड़ के क्वांटिटी देख रहा हूँ कितनी क्वांटिटी में ये मेरे को चाहिए। मैं इसको ये अच्छे से वर्क नहीं करा, कोई बात नहीं, मैं हाथ से निचोड़ूंगा। अच्छे से इसके पहले बीज निकाल दूंगा बिकॉज ये बीज बहुत कड़वे लगते हैं अगर ये मुँह में आ जाते हैं। हाँ, वैसे भी बीज तो निकालना ही पड़ते हैं नींबू के। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से निचोड़ जाए। आपको एक ग्लास के लिए हाफ लेमन बहुत है, सो इससे ज्यादा आप लेमन मत डालिएगा जी। इससे ज्यादा लेमन डालने के अब निचोड़ गया अच्छे से, खट्टा हो जाएगा। हाँ, ज्यादा अगर आप लेमन डालेंगे जी, जी, तो ये खट्टा हो जाएगा जी। एंड ये लेमन मैंने, हाँ, देख लीजिए इतना कुछ लेमन सिरप है, ये लेमन सिरप मैं इसमें डाल दूंगा एंड थोड़ा सा मैंने इसमें पूर किया, इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें वापस जी। एंड नाउ मैं इसको मिला लूंगा एंड हमारा ब्लू लेमन मोजीतो तैयार है। बस इसको सर्व करना है। ये हमारा सर्विंग ग्लास है। ये देखिए मैं इसको सर्व कर रहा हूँ। हाँ, कलर भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। टेस्टी ब्लू लेगून मुझे तो तैयार है। अब 2 मिनट के अंदर अंदर आपको इसका रिव्यू नानी दिखाएंगे। सो ये है हमारा ब्लू लेगून मोजीतो एंड ये मैं दे रहा हूँ नानी को टेस्टिंग के लिए। सो ये लीजिए नानी। टेस्टी, वाओ।
सो आप भी इसे घर में अपने ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो यही था मेरा ब्लू लेगन वेजी, तो एक बार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। नहीं झूठ तो नहीं बोल देना है? नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वाकई में बहुत टेस्टी है, रियली वेरी ऑसम गाइस। सो आप भी इसे अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में। एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, इससे आपको रेगुलरली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ओवर एंड आउट।